मध्य प्रदेश में इन दिनों धर्म की राजनीति जोरों पर है। पुलिस थानों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में पहले भाजपा नेताओं ने अशोका गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इसके बाद शनिवार को टीटी नगर थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मध्य प्रदेश में इन दिनों हनुमान जी के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है। भाजपा नेता के जन्मदिन पर अशोका गार्डन थाने में कथित तौर पर हनुमान चालीसा के बाद अब कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाने टीटी नगर थाने पहुंच गए। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने बाहर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने कार्यकर्ता बंटी जैन के जन्मदिन के मौके पर थाना परिसर में हनुमान चालीसा की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। 18 तारीख को विधिवत परमिशन थी कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी FIR करेंगे नर्सिंग घोटाले में, लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ रोक दिया गया, क्योंकि थाने के अंदर TI साहब ने परमिशन दी थी कि थाने के अंदर एक BJP के नेता नरेश यादव जी का जन्मदिन हो रहा है, सुंदरकांड हो रहा है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हमने ये मांग की कि हमको भी परमिशन दी जाए, हमारे एक साथी का भी जन्मदिन है बंटी जैन का, और उसके लिए परमिशन मांगी थी 5 बजे हम करेंगे। परमिशन नहीं मिली तो हमको बाहर थाने के सामने ये हनुमान चालीसा पढ़ी, बंटी जैन का जन्म मनाया। लेकिन हमारी मांग है कि अगर ये गलत है कि परमिशन नहीं दी जा सकती थी वहाँ थाने के अंदर, तो जिन अधिकारी ने परमिशन दी है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर CSP चंद्रशेखर पांडे का कहना है कि थाना प्रांगण में किसी के जन्मदिन या बर्थडे पार्टी मनाने की अनुमति नहीं है। इसी के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ता को अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने सड़क पर बैठकर शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस के कुछ नेता थाना टीटी नगर में सुंदरकांड का पाठ करने आए थे। उन्होंने थाने प्रांगण में अनुमति मांगी थी। थाना प्रांगण में किसी बर्थडे पार्टी के लिए या बर्थडे के आयोजन की बाहरी व्यक्ति की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये उन्हें बताया गया था। तो उन्होंने थाने के बाहर बैठ के उन्होंने पूजा की और उन्होंने उसे बर्थडे मनाया और वो यहाँ से रवाना हो गए। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर बैठे थे और वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से रवाना हो गए हैं। अभी ऐसे बिंदु नहीं है जिन पे FIR के तत्व मौजूद हो, यहाँ पे अभी वो केवल बैठे थे और यहाँ से रवाना हो गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।